हेलो एवरीवन, आई एम सरवर मलिक एंड वेलकम टू एस मलिक व्यू। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? और हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया टॉप थिंग्स वेयर इंडिया इज वर्ल्ड लीडर पार्ट वन बाय व्लॉग नेशन। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इनके चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। IT sector 67 200 billion. Amazing. Silicon Valley. Wow, what a view. Amazing. Yes, I cannot believe that. The diamond city of India. Both expensive and I know. ये तो है, -45 टेम्परेचर पे बहुत मुश्किल है रहना। दुनिया की सबसे टफ जॉब है। Unity, tallest, 182 meters. Gold card. इतना बड़ा लग रहा है वैसे, दुनिया का सबसे बड़ा। वाह, व्हाट इज यू इंडियन फ्लैग।
बुक पढ़ लिया तो चाहिए सभी को, लकी हो आप लोग। 50 सेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री Brilliant.
बबल पीस। सो गाइज वीडियो देखी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आईटी के सेक्टर की बात करते हैं तो नो डाउट पिछले 10-15 साल से इंडिया आईटी के शोबे में छाया हुआ है पूरी दुनिया में, और इसकी एग्जांपल है जो बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे, और अब गुरुग्राम आईटी का हब बनने जा रहा है गुरुग्राम। और आपको पता होगा जब आईबीएम में एरर आया था तो वो इंडियंस ही थे जिन्होंने वो रिजॉल्व किया था, और आप देखें उसके बाद से जितने भी आईटी के इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और आप देखें $200 बिलियन इंडिया एनुअली आईटी के शोबे में कमा रहा है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की आईटी के शोबे में। डायमंड की बात करते हैं तो नो डाउट इंडिया में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा डायमंड है वो कट और पॉलिश होता है 95%। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो डायमंड के शौकीन हैं। ज़्यादातर औरतें शौकीन होती हैं और मर्द भी हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा, मगर मेरा मानना है कि ये हर किसी को रास नहीं आता और हर कोई ख़रीद भी नहीं सकता। और अगर बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तो मेडिसन में नो डाउट इंडिया इस वक्त सबसे आगे है। जैसा कि इंडिया ने अब COVID-19 में अमेरिका को मेडिसन दी, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बाहर के मुल्कों से ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं, और मेडिसिन जो है वो बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है इंडिया में। और पाकिस्तान से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जब सुषमा स्वराज थी तो तब बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आते थे इंडिया में इलाज के लिए। तो इंडिया तो इसमें बहुत आगे है, और इंडियन डॉक्टर्स हैं जो नो डाउट वो पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप के डॉक्टर जो हैं वो इंडिया से हैं। और सियाचिन की बात करते हैं तो भाई वो वहाँ पर तो -45 है, तो उसमें रहना तो दूर की बात, बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये जो मेडिसन है, जो फूड है, उनको वो हेलीकॉप्टर्स में बनाते हैं तो उधर देते हैं उनको, और जब वो स्नो स्लाइड्स होती हैं जो वो तोदे जो गिरते हैं नीचे तो वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि किसी भी कंट्री की आर्मी हो, ये दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है, और ये अपने मुल्क को सर्व करते हैं। तो आपने देखी एग्जांपल सियाचिन में बहुत ज़्यादा -45 रहना बहुत मुश्किल काम है। और अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, इसकी हाइट 182 मीटर्स है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू है। इसका रिकॉर्ड भी इंडिया के पास है, और बॉलीवुड तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है इस वक्त, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मूवीज़ रिलीज़ होती हैं वो भी इंडिया में होती हैं, और लोग पूरी दुनिया में बॉलीवुड के इस वक्त दीवाने हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 बिलियन जो टिकट हैं वो लास्ट ईयर इन्होंने सोल्ड की, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है, और इसमें काम करने वाले लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि वो इंडिया से हैं, और इंडिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया को लीड कर रही है इस वक्त। और अब बात करते हैं इसरो इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, तो इंडिया दुनिया का वाहद कंट्री है जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही चांद पर पहुंच गए और पानी डिटेक्ट किया, ये भी इंडिया का रिकॉर्ड है, और 104 सैटेलाइट्स एक रॉकेट में ले जाने का रिकॉर्ड भी इंडिया के पास है। और जैसे कि 4G नेटवर्क है इंडिया में, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता है, और ये मेरे ख्याल से 1 GB जो है वो 50 सेंट में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये पूरी दुनिया को चाहिए भाई, पाकिस्तान में भी चाहिए इतना सस्ता है इंटरनेट। तो ये टेक्नोलॉजी और साइंस में देखें इंडिया कितनी ज़्यादा तरक्की कर गया है। UN में भी इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह से उनके ट्रूप्स हैं और यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं, और अफ्रीका के ममालिक में जाते हैं और जो गरीब मुल्क हैं उनके हेल्प करते हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूशन इंडिया का बहुत बड़ा है यूनाइटेड नेशन में। और इसी तरह जो एयरपोर्ट है, दुनिया का पहला एयरपोर्ट जो सोलर एनर्जी से बनेगा, वो भी इंडिया बना रहा है। तो आप देखें कि इंडिया पूरी दुनिया में किस तरह से उभर कर सामने आ रहा है और सुपर पावर की रेस में लगा हुआ है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।